यहाँ पे सबसे पहले तो एक सोने चांदी पे हम लोग जो बात कर रहे थे उसी का एक सवाल लेते हैं। करुणा प्रमोद जी का सवाल है कि क्या इस साल सोना चांदी ज्यादा रिटर्न देंगे इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में? करुणा जी, इस चीज़ को मैंने थोड़ा समय पहले समझाया था कि क्यों इस साल सोना चांदी ज़्यादा चल सकते हैं इक्विटी से। बिकॉज यहाँ पे मेन मामला है जियोपॉलिटिकल रिस्क का। और जियोपॉलिटिकल रिस्क में प्रॉब्लम क्या है कि आप डॉलर एज रिजर्व करेंसी पे डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने डिपेंडेंस को रिड्यूस भी करना चाहते हैं। अब ओवरनाइट आप वो ग्लोबल ट्रेड के 65% को, जिस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करता है, उसको आप हटा तो नहीं सकते ना, लेकिन अपनी सेफ्टी नेट तो इंश्योर करेंगे। तो जो भी इंक्रीमेंटल हेज है उसके लिए गोल्ड की जरूरत पड़ रही है सेंट्रल बैंक्स को। और थोड़े समय पहले आपने आरबीआई को भी सुना होगा, उन्होंने बोला हमने गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है। वैसा ही चाइना भी करेगा, वैसा ही रशिया भी करेगा, वैसा ही नॉर्थ कोरिया भी करेगा। जिनके साथ डिपेंडेंस है यूएस पे, वो सब अपना काम करना चाहेंगे या डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 2 दिन में डॉलर खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी आपको अपनी डिपेंडेंस कम करनी है। इसलिए ये साल जहाँ तक है मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा गोल्ड बढ़ेगा इस कारण से, और हो सकता है अगले साल भी, अगर हम बात करें फिनेंशियल ईयर की, तो मे बी इवन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल तक भी आपको गोल्ड पे थोड़ा बेटर रह सकता है। बिकॉज जब भी ये इंटरेस्ट रेट कट शुरू होता है ना, तो वहाँ से 3 महीने बड़े ही सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आप उस चीज़ को भी बेक इन करें। मान लेते हैं कि नवंबर दिसंबर में शुरू भी होता है रेट कट, तो एक बारी वहां पे मार्केट पीक बना देता है, फिर करेक्शन शुरू होता है, तो इक्विटी में भी करेक्शन शुरू होगा, तो निकल के फिर रिस्क फ्री या जो भी आप कंजर्वेटिव प्लेस है, फिर गोल्ड मिलेगा आपको, तो वहां पे लोग जाएंगे। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से कम 9 महीने तक, कम से कम 9 महीने तक गोल्ड के लिए और अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिव टर्म में इक्विटी फिर बेटर करेगा। जी, तो फिलहाल सोने और चांदी में क्या इक्विटी के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिल सकता है, तो उसका एक टाइम फ्रेम या उसका एक पर्सपेक्टिव आपके सामने सुमेश जी ने रख दिया।